हेलो वंस अगेन, वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मेन ग्रुप यानी कि पी ब्लॉक कंप्लीट कर लिया है, जहां पर 13, 14, 15 और 16 और 17 ग्रुप हम लोग कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपके सिलेबस में जो 18 ग्रुप है उसे अलग से दिया गया है, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस करके, ठीक है। तो इसलिए हम उसके लिए एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है, टाइम ड्यूरेशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले नोबल गैसेस की बात करते हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं। तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, तो ये आपके पास नोबल गैसेस होती हैं। एटॉमिक नंबर 2 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10, 10 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18, 18 में 18 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36, अगेन 18 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 54, फिर आप 32 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 86। तो ये आपके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। ये हमने पीरियोडिक के बारे में भी बात की थी, जो सब भी देखा था। तो अगर ग्रुप नंबर की बात करें तो कौन सा ग्रुप नंबर होता है, ये हमारे पास 18 ग्रुप होता है और इन्हें हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इन्हें क्यों नोबल गैसेस कहा जाता है, नोबल गैसेस हम इन्हें क्यों बोलते हैं। तो नोबल गैसेस कहने के पीछे क्या रीजन है, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, जीरो ग्रुप कहा जाता है। तो नोबल गैसेस कहने के पीछे रीजन है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 18 ग्रुप का, NS2 NP1 से लेकर 6। तो इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो लास्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो पूरा भरा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चलता है कि इनका ऑक्टेट जो है वो कैसा है, कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये किस नेचर के होते हैं, नॉन रिएक्टिंग नेचर के होते हैं। तो नॉन रिएक्टिंग नेचर होने की वजह से ही इन्हें क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट इनका क्या रहता है, कंप्लीट रहता है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं, राइट। तो और जीरो ग्रुप कहने का क्या मीनिंग है, जीरो ग्रुप का मीनिंग है इनकी वैलेंसी वो कितनी होती है, जीरो। वैलेंसी क्या होती है, टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन गेन कर दें या फिर लूज कर दें। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ना ही ये लूज करना चाहता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, कंप्लीट है। तो ये अपने आप में कोई भी चेंजेस नहीं पसंद करता है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। तो 18 ग्रुप है और जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल है, इसलिए कैसे है, नॉन रिएक्टिंग है। अब आगे बात करते हैं इनके कंपाउंड्स के बारे में। सबसे मेन इस चैप्टर में स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया है, तो इनके कंपाउंड बनने की स्टार्टिंग हुई कहां से। अच्छा, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं इनकी एटॉमिक रेडियस की, यानी कि साइज की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो आप सभी लोग जानते हैं जब हम डाउन टू ग्रुप जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो एटम का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप अगर बात करें हीलियम, हीलियम के बाद आएंगे आप नियॉन, फिर आर्गन और फिर क्रिप्टॉन, फिर ये आपका ज़ेनॉन और रेडॉन। तो इस तरीके से साइज बढ़ेगा। लास्ट वाले एलिमेंट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये वाला एलिमेंट कैसा होता है, आपका रेडियो एक्टिव होता है। तो इससे सवाल पहला तो यही हो जाएगा कि कौन सा नोबल गैस इसमें से रेडियो एक्टिव है, दूसरा कि जो रेडॉन है उसकी केमिस्ट्री पढ़ना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है। तो क्योंकि ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो जो भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। अब डाउन टू ग्रुप साइज बढ़ता है, लेकिन अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है, कम होता है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लगाएं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद नियोन। ऑर्डर को थोड़ा रिवर्स करेंगे, अलोंग द पीरियड साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो लिथियम बड़ा होगा, बेरिलियम थोड़ा छोटा होगा, बोरॉन और छोटा, कार्बन और फिर कार्बन के बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। होना तो क्या चाहिए, उसके बाद कौन आना चाहिए था, नियॉन, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि साइज में मैंने बताया था आप लोगों को पीरियोडिक वाले चैप्टर में, अगर आप लोगों को याद हो, नहीं याद होगा तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। तो अलोंग द पीरियड साइज यहां पर डिक्रीज हो रहा है। जो नोबल गैसेस होती हैं वो कैसे फोर्सेस रखती हैं, वो कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म करती है। तो नोबल गैसेस के केसेस में हम कौन सी रेडियस कंसिडर करते हैं, वान डर वाल रेडियस कंसिडर करते हैं, राइट। कौन सी रेडियस कंसिडर करते हैं, वान डर वाल रेडियस, और सबसे बड़ी रेडियस वान डर वाल ही होती है, इसलिए इसका सही ऑर्डर है नियॉन सबसे आगे आ जाएगा। तो कई लोग इसको एक्सेप्शन की तरह पढ़ते हैं कि अलोंग द पीरियड साइज कम होता है लेकिन नोबल गैसेस में साइज बढ़ जाता है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, बस इनका कंपैरिजन अलग है, उसका कंपैरिजन अलग है, इसकी रेडियस अलग है, उसकी रेडियस अलग है। तो याद रखेंगे नोबल गैसेस में कौन सी रेडियस कंसिडर की जाती है, जी बिल्कुल सही आंसर है वान डर वाल रेडियस। इसलिए हर फैमिली में जो लास्ट वाला नोबल गैस वाला एलिमेंट है वो सबसे पहले आएगा ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो एटॉमिक रेडियस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ऑर्डर लिख लेना, मैंने इरेज कर दिया है। दूसरा आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि कॉन्फिगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा, तो वेरी हाई। तीसरा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता है, तो अगर आप इससे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने पे कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, हाईली पॉजिटिव। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टर्म्स में बोलूं तो आप कह सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी की बात करें, दो वर्ड होते थे ना, एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी एनर्जी के टर्म्स में है, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन गेन कराना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलते हैं, सिर्फ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, मतलब गेन, तो इसका टेंडेंसी तो है ही नहीं गेन करने का, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी कही जाएगी, जीरो। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप लोग लेक्चर्स को कंटिन्यूसली एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें बहुत डीपली मैंने चीजों को आपको बताया हुआ है, बट फिर भी मैं यहाँ पर इस चीजों को कवर कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो कोई लास्ट टाइम पे लेक्चर्स देख रहा हो तो उसको लगे कि यार वो भी देखना बहुत जरूरी था, ये भी, तो कनेक्टिविटी आ जानी चाहिए, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, एटॉमिक रेडियस हो गई है। उसके बाद अगर मैं इनके बीच में प्रेजेंट होने वाले फोर्सेस के बारे में बात करता हूँ, तो इनके बीच में कौन से फोर्स प्रेजेंट होते हैं, होते तो वान डर वाल ही हैं, लेकिन वान डर वाल के भी टाइप होते हैं, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सब वान डर वाल ही हैं। तो इसमें होते हैं लंडन फोर्सेस, कौन से होते हैं, लंडन फोर्सेस, जिनको और क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। आगे जाके एक चैप्टर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पर डिटेल में भी दिए हुए हैं, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो हीलियम, हीलियम का मॉलिक्यूल एक दूसरे को कौन से वान डर वाल इंटरेक्शन से अट्रैक्ट करते हैं, वो होता है लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स, सबसे वीक फोर्स, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद आते हैं अब इनके कंपाउंड्स की जनरेशन पे, कि कब ऐसा हुआ कि इतनी चीजें फेवर नहीं करने के बाद भी इनके कुछ कंपाउंड बन गए और काफी चीजें बदल गई। तो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम आपने याद रखना है, नील बार्टलेट, नील बार्टलेट। तो नील बार्टलेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करी और कंपाउंड बना के दिखाया कि नोबल गैसेस भी कंपाउंड बना सकती हैं और क्यों। तो हो क्या रहा था कि ये जो साइंटिस्ट थे वो इन दो के बीच में कुछ रिएक्शन परफॉर्म करा रहे थे, PtF6 और ऑक्सीजन के बीच में। PtF6 जो होता है एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था उस समय, उसके बाद तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गए थे, तो उस टाइम पे काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है किसी और को ऑक्सीडाइज कर देना, मतलब किसी और के अंदर से इलेक्ट्रॉनों को निकाल देना। तो देखा यह गया कि PtF6 ने ऑक्सीजन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये जो खुद PtF6 है वो कैसा बन गया, नेगेटिव चार्ज। तो लाइक NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो एक आयनिक कंपाउंड यहाँ पे बनता हुआ नजर आ गया था। तो ये रिएक्शन उन्होंने करी। अब इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या रखी, इन्होंने देखा यार कि जितनी एनर्जी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगती है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लगती है किससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ज़ीनॉन से। तो पहला सवाल ये हो गया कि ऐसा क्या एविडेंस था, क्या हिंट था जिससे नोबल गैसेस के कंपाउंड बने। तो नील बार्टलेट सर ने क्या अकॉर्डिंग क्या ऑब्जर्वेशन रखी कि नोबल गैसेस जो ज़ीनॉन है, जितनी एनर्जी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगती है उतनी ही लगती है ज़ीनॉन से। तो यहां से उन्हें आइडिया है कि जब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो क्या पता ज़ीनॉन से भी निकाल दे, सोचने वाली बात तो है ही। तो इन्होंने रिएक्शन करके देखी और वो हो गई और एक कंपाउंड बना Xe+ और PtF6। बस फिर नोबल गैसेस की दुनिया बदल गई, ज़ीनॉन की तो एटलीस्ट बन गई, बाकी सारों ने तो कंपाउंड नहीं बनाए। तो ये कंपाउंड बनाया गया पहला, ये भी रेड कलर का कंपाउंड था और ये भी रेड कलर का। तो कंपाउंड पूछे तो कलर भी याद रखो, एग्जाम्पल याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहां से आइडिया लग गया कि हाँ ज़ीनॉन में से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं और वो कंपाउंड बना लेते हैं। ज़ीनॉन में ही ऐसा देखा गया, बाकी किसी ने कंपाउंड फॉर्म नहीं करे। कुछ एकादा थे जैसे नियॉन के, कुछ एकाद क्रिप्टॉन के एकाद कंपाउंड मिले, बाकी नहीं मिले। तो मेनली ज़ीनॉन के कंपाउंड्स मिले। तो अब उन्हीं के कंपाउंड्स के बारे में हम बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। तो ज्योमेट्रीज आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक सॉरी उसमें केमिकल बॉन्डिंग में, पी ब्लॉक में, सब जगह सिखा चुका हूं। तो यहां पे मैं अब डायरेक्ट उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाला हूं। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं XeF4 का। तो क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको, 1/2 ज़ीनॉन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 4 फ्लोरीन है तो वैल्यू कितनी आ गई टोटल डिवाइड करने के बाद, 4। तो 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। बॉन्ड पेयर, बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं, एक सेकंड कितना आ रहा, 8 4 12 6 आना चाहिए ना। तो sp3d2 बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं, 4, और लोन पेयर कितने होंगे, फिर 6 वैल्यू है ना, तो लोन पेयर हो जाएंगे 2। अब ज्योमेट्री तुम्हें याद होनी चाहिए, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं ठीक है, कि बिना ज्योमेट्री के तो जाना ही नहीं पेपर में, सवाल आना ही आना है वहां से 100%। तो ये सारे हाइब्रिडाइजेशन मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाए हुए हैं। XeF4, तो क्या ज्योमेट्री का नाम होता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, क्लियर हुआ। तो पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल लो XeF2, इसे बनाओ। तो 1/2 ज़ीनॉन के लास्ट में 8, 2 फ्लोरीन लगे हैं तो वैल्यू आ गई 5। 5 का मतलब 1s 3p, टोटल कितना हो गया, 4, और एक आ गया d। फिर आते हैं बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग हैं, सिर्फ 2, और लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर है 3। तो ये रहा आपके पास ज़ीनॉन, 5 हैं आपके पास, तो टोटल 3 लोन पेयर हैं, तो वो कुछ ऐसे आते हैं और जो 2f हैं वो ऐसे लगेंगे। तो क्या बोलते हैं हम इस ज्योमेट्री को, इस ज्योमेट्री को कहा जाता था लीनियर, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, XeO3, ये एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड होता है। XeO3 एक एक्सप्लोजिव यानी कि धमाकेदार कंपाउंड होता है। तो क्या करना है, 1/2 ज़ीनॉन के लास्ट में 8। तो मैंने कहा था जब भी ऑक्सीजन आए तो ट्रिक ये थी, ऑक्सीजन को छोड़ दो इस फॉर्मूले के अंदर, तो ऑक्सीजन छोड़ दो, सिर्फ वैल्यू कितनी है फिर 8, तो कितना आ गया टोटल 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। बॉन्ड पेयर बॉन्डिंग करने वाले कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे ठीक है, यहाँ पे काउंट करना है हाँ। तो लोन पेयर कितने होंगे, लोन पेयर होंगे 1। तो ये पिरामिडल शेप होता है, बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है ठीक है, डबल बॉन्ड ओ आएंगे सब जगह, XeO3। तो क्या है ज्योमेट्री का नाम, ज्योमेट्री का नाम है पिरामिडल, क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल देखते हैं इसके।
इसके बाद एक एग्जांपल लिखेंगे आप XeO2F2 मिक्स है, अब ये ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 1/2 ज़ीनॉन के लास्ट में 8 ऑक्सीजन छोड़ दो लेकिन फ्लोरीन मत छोड़ना, तो वैल्यू आ गई आपकी 5। तो 5 का मतलब हो गया SP3D। फिर आते हैं बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने लोग हैं बॉन्डिंग करने वाले, 4 लोग हैं, और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है आपके 1, तो एक ही लोन पेयर है तो वो कुछ ऐसे लगेगा। और यहां पे लगाएंगे आप ऑक्सीजन, और जो ये एक्सियल वाले बॉन्ड है इसमें लगाएंगे आप F, तो क्या बोलते हैं ज्योमेट्री को, C100। क्लियर हुआ? और कौन सा एग्जांपल बचा, एक और बचा है XeF6, तो क्या होगा 1/2 ज़ीनॉन के लास्ट में 8, 6 फ्लोरीन, कितनी वैल्यू आ गई, 6 आ गई, 6 आ रही, 7 आ रही, 8 × 6 = 14, 7। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बोलो, अरे बोलो यार, अब तो आ जाना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, अभी भी नहीं आ रहे हैं तो फिर बहुत गलत बात है। ठीक है, 3, 3, 6 और 1, 7। अगर आप लोगों ने ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब पी ब्लॉक पढ़ लिया है या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया, उसके बाद अगर यहाँ पे गलती हो रही है ना स्ट्रक्चर में, तो फिर ठीक है, समझदार हो, क्या ही कहूँ मैं। ठीक है, तो SP3 D3, तो कितने हैं बॉन्डिंग वाले पेयर, तो बॉन्ड पेयर हैं 6, यानी कि इनमें अभी भी परफेक्शन नहीं आया है, तो मैं बार बार अभी भी नोटबुक देखनी पड़ेगी क्या स्ट्रक्चर होता है, तो फिर तुम्हारी तैयारी क्या ही चल रही है सच कहें तो तुम्हें थोड़ा सा आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि ये है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आर और पार की लड़ाई है। XeF6 3 और ये 3, 6, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और एक बात ये है कि आप लोगों का सिलेबस बहुत वास्ट है, ऐसे बहुत सारा सिलेबस है जिसको पढ़ना ही नहीं है आपको, वो पूरे ग्रेजुएशन के जो बीएससी में जो ग्रेजुएशन में चैप्टर होते थे सीधे सीधे उठा के डाल दिया पूरा सिलेबस, तो उनका तुम्हारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, काफी सारा पोर्शन है, तो मैं इसलिए चीजें करा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक तो स्टार्टिंग की ऐसी ही, अभी तक तो मैंने सारी चीजें कराई हैं, जैसे इसमें जो है मैं रिएक्शन वाला पार्ट नहीं कराऊंगा, तो मैं नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे जाके ऑर्गेनिक आएगी या जो हमारे काफी सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना है, बस हल्का हल्का ओवरव्यू देना है वो मैं दूंगा यहाँ पर, उतना ही करना है। ठीक है, भरोसा रखना है अपने पढ़े पे, और फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं यार सारी चीजें कवर करनी है, क्या पता आ जाए, तो क्या पता से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या जिसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है जो एग्जामों में आते गए हैं, जो चैप्टर इंपॉर्टेंस है, क्या तुम उनसे परफेक्ट हो चुके हो, उसके बाद ही आपको वो एक्स्ट्रा चीज जो आप करो ना कि सारा करना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये नहीं छोड़ना है, वो नहीं छोड़ना, तब वो करना आप, ये तो खाली करके नोट्स पूरे करके कोई फायदा नहीं है। तो ये XeO2F2 और XeF6, ठीक है, तो ये हो गया आपके ज़ीनॉन के कंपाउंड। तो बस इसमें यही बातें याद रखने वाली हैं, पहला पॉइंट क्या था, नोबल गैसेस में रेडॉन रेडियो एक्टिव है, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक डे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर साइंटिस्ट कौन है, नील बार्टलेट, आइडिया किससे आया कि ऑक्सीजन के आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम होती है किसके, ज़ीनॉन के, कंपाउंड क्या बना XZ1+, PtF6-, वहां के बाद ये काफी सारे कंपाउंड बना दिए हैं, ज्योमेट्री याद रखेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टेटल, सीसो, ये हो गया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिलेबस तो मैं यहाँ पे तुम्हें पूरा एग्जाम के निकलने लायक कंप्लीट करा के रहूंगा। ठीक है, तो सही से प्रिपरेशन करना, क्वेश्चंस वगैरह आ ही रहे हैं, इसका कोई लेक्चर नहीं आएगा क्वेश्चंस का, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में सारे स्ट्रक्चर हो गए, यही क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं स्ट्रक्चर, तो ऐसे चैप्टरों के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बड़े केमिकल बॉन्डिंग सबके दिए हुए हैं। फिर भी अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है तो सर्च करें आप रेमेडियल केमिस्ट्री, LT केमिस्ट्री करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और लिंक आप लोगों को प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।